ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आप अपनी PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे फॉरगेट पासवर्ड करके आप कैसे दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर कंप्यूटर, तीनों में से जो भी चीज़ आप चाहें यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने डिवाइस का सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं उसे ओपन कर लेना है। इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करते ही ऊपर जहाँ पर सर्च बॉक्स होता है जिसमें वेबसाइट आप टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइप करना है, मैं आपको बताता हूँ, PLI.indiapost.gov.in। दोस्तों ये PLI की ऑफिशियल पोर्टल है, तो आपको इसे टाइप करके ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो चलिए फटाफट हम भी टाइप कर लेते हैं और ओपन करते हैं पोस्ट ऑफिस की PLI के लिए दिए गए इस पोर्टल को। तो पोर्टल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। अब इसी में आपको दिख रहा होगा छोटा सा ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में लॉगिन का एक ऑप्शन, ये देखिए यार, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब अपना पासवर्ड फॉरगॉट करने के लिए ही देखिए नीचे बीच में एक ऑप्शन दिया गया है फॉरगॉट पासवर्ड का, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं फॉरगॉट पासवर्ड पर। क्लिक करते ही आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपनी पॉलिसी में रजिस्टर करवा रखा है। उसके बाद आपने डालेंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने अपनी पॉलिसी में दे रखी है, और फिर उसके बाद डालनी है आपने कस्टमर आईडी। अगर आपको अपनी कस्टमर आईडी नहीं पता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके थ्रू आप अपनी कस्टमर आईडी भी पता कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो सारी डिटेल डालने के बाद आपने ये कोड एंटर करके नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ एक सेकंड का आपने वेट करना है और ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि ईमेल पर जो है इंडिया पोस्ट की तरफ से एक लिंक भेजा गया है। सिंपली आपने यहाँ से ओके करके अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है, जो ईमेल आईडी अभी आपने इस फॉर्म में फिलअप करी थी और जो ईमेल आईडी आपने PLI में रजिस्टर करवा रखी है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से मेल आएगा। देखिए अगर मेन इनबॉक्स में वो मेल ना हो तो आप स्पैम में जाके चेक कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से मेल आया हुआ मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए आपको इस मेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर इसको नए टैब में पेस्ट करके ओपन कर लेना है। तो चलिए फटाफट कुछ इस तरीके से हम भी इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद और फिर इसको नए टैब में जाके पेस्ट करके इस लिंक को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से लिंक ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए नीचे यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई हैं, तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आपने पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले जो पासवर्ड आपने सेट करना है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद री एंटर पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने ऊपर डाला है उसी को दोबारा से कन्फर्मेशन के लिए आपने टाइप कर देना है। आपको ध्यान यही रखना है जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है पासवर्ड सेटिंग का उसी के हिसाब से सेट करिएगा, अदरवाइज आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो पासवर्ड डालने के बाद फिर आपने सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, दैट मीन्स आपका पासवर्ड अब सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। और नए पासवर्ड का यूज करके अब आप अपनी PLI की आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी PLI के लॉगिन का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो उसे दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने सिर्फ एक यही वीडियो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके बहुत सारी वीडियो की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो PLI के ऊपर जो भी वीडियो आपको देखनी हो उस वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप चैनल को देखते तो बहुत अच्छी तरीके से हैं
वीडियो को लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।